पैरालिसिस, लकवा, अधरंग, ये सब चीज़ें आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं। हमें जब पैरालिसिस को ट्रीट करना है तो दो बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए पैरालिसिस के केस में, कि पैरालिसिस में अक्सर हमारा कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो दो मुख्य रूप पर हमारे सामने रहते हैं। नंबर एक, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका प्रेशर हमारी क्रैनियल नर्व्स पे जाता है, जिसका प्रेशर वो बियर नहीं कर पाते और हमें सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक होता है। नंबर दो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार वो इतना ज़्यादा हद से बढ़ जाता है कि उसका बढ़ा हुआ प्रेशर हमारे दिमाग की नर्व्स हैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और हमें सारी उम्र के लिए अपाहिज होना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद योगाश्रम आपकी हर क्रॉनिक डिजीज में आपके साथ खड़ा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्राचीनतम वैज्ञानिक पद्धति है जो आपके हर रोग को जड़ से खत्म करने के ऊपर आमदा है। लेकिन जब तक बात असाध्य रोगों की होती है, अगर हमारे ब्रेन की एक नर्व पूरी फट ही गई हो, एक नस फट गई हो, तो उसके लिए रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जहां भी इस तरह के केसेस में, जिसको हम असाध्य भी कहते हैं, अगर आयुर्वेद को दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक इसमें सहायक सिद्ध हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। जब हम बात करते हैं इस पैरालिसिस के केस की, तो उसमें हमारी वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आयुर्वेद हमेशा ये मानता आया है कि जब भी हम निदानम परिवर्जनम के ऊपर चलेंगे, यानी कि निदान का परिवर्जन करना, यानी कि कारण को ख़त्म करना, तो हमारे सामने उस तकलीफ़ को ठीक करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रह जाता है। तो हमारे लिए उस तकलीफ़ को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम कारण की तरफ लेके चलें। अब हमारे सामने कारण स्पष्ट है कि इस पर्टिकुलर उमुक व्यक्ति का उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो हमें सबसे पहले जब उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो उस ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है, दैट इज एजेड कार्डियो। जिस रुद्राक्ष को हम गले में पहनते हैं, उस रुद्राक्ष को हम बसम के रूप में बनाकर एजेड कार्डियो में देते हैं, दो सुबह गोली, दो सुबह शाम को। ये हमारे पैरालिसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग है। सेकेंड नंबर पर जो मैं अभी बता रहा था आपको, वो आता है हमारे वात को कंट्रोल करने के लिए। वात को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, स्वर्ण योग एक बहुत ही एक अमूल्य योग है। और हमने एजेड नीरो गोल्ड तैयार करवाई है, जिसमें वृत्त व चिंतामणि का भी कॉम्बिनेशन है, जिसमें रसराज रस भी है, जिसमें एकांगवीर रस भी है। इसके दो कैप्सूल सुबह और दो कैप्सूल शाम को देते हैं, इसमें हल्दी वाले दूध के साथ देते हैं, साथ में अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन देते हैं, अदरक का रस देते हैं इसमें 4 से लेकर 8 बूंदों तक, और शहद देते हैं आधा चम्मच। आयुर्वेद में क्योंकि अनुपान का भी बहुत महत्व है, इस अनुपान के साथ नीरो गोल्ड दो दो लेते हैं सुबह शाम, और जरूरत पड़ने पर अगर हमें लगे, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। आयुर्वेद योगाश्रम में जब भी हम किसी मरीज की मेडिसिन को डिसाइड करते हैं, तो जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंज भी कर देते हैं, अगर उसके रोग के कारण भिन्न भिन्न है, अगर उसका निदान भिन्न है, अगर उसके और सिम्टम भिन्न है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्थो गोल्ड एक प्रोडक्ट होता है जिसमें स्वर्ण बसम लगभग 5.5 मिलीग्राम तक देते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है हमारे पैरालिसिस के पेशेंट के लिए। एक क्लासिकल प्रेपरेशन है जिसका नाम ब्रह्मी वटी है। ब्रह्मी वटी को एक गोली सुबह नाश्ते के बाद देते हैं, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे इन पेशेंट्स के लिए। जरूरत पड़ने पर कई लोगों को हम अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट भी देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आयुर्वेद योगाश्रम में जब भी अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है तो ये पाउडर नहीं देते, हम एक्सट्रैक्ट देते हैं। नंबर दो, ये हमारा 500 मिलीग्राम का कैप्सूल नहीं होता है, 800 मिलीग्राम का होता है, यानी कि एक 800 मिलीग्राम कैप्सूल्स में लगभग 5 से लेकर 7 ग्राम तक अश्वगंधा हम पेशेंट को खिलाते हैं, जो कि पैरालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, ये जो पैरालिसिस की किट, जिसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें संशोधन पॉसिबल है मरीज़ के हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, मरीज के इतिवृत्त के अकॉर्डिंगली। अभी इन मेडिसिन्स में जो जो मैंने बोली हैं, इनके पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको इस नेक्स्ट 1 मिनट के वीडियो में देखने को मिलेगी। Thank you.
इसके साथ ही साथ जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा देख लेते हैं, आयुर्वेद योगाश्रम शुरू से मानता आया है कि पेशेंट हमारी फैमिली की तरह है, हमारे परिवार की तरह है, उनको पता होना चाहिए जो मेडिसिन हम खा रहे हैं उस मेडिसिन के कंटेंट क्या हैं, उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट क्या हैं। तो दोस्तों ये है एक पैरालिसिस हीलर किट की बात। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें, इसमें हमारा आहार वात युक्त नहीं होना चाहिए। जितनी भी वात से बड़ी हुई चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है। योग और प्राणायाम का बहुत ज़्यादा रोल है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, अग्निसार क्रिया और आंतरिक और बाहरी कुंभक, ये इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अगर किसी को राइट साइड का है वो लेफ्ट साइड से कर सकता है प्राणायाम, अगर लेफ्ट साइड का है तो वो राइट साइड से कर सकता है। अगर वो पूरे तरीके से अपने हाथों के मूवमेंट नहीं भी कर सकता तो मेरी बात एक ध्यान से सुनना, नाड़ी शोधन को हम इसी तरीके से सीधा बैठ कर फीलिंग लेते हुए भी कर सकते हैं कि अब हम राइट से इनहेल कर रहे हैं और लेफ्ट से एक्सहेल कर रहे हैं। धीरे धीरे जब इस प्राणायाम की शक्ति को आप पहचानेंगे, आपको पता लगेगा कि इससे कितना बड़ा आपको लाभ होने वाला है। और हाँ, इसके साथ आप जो भी तरह की आपको पैरालिसिस हो, जैसे हमने बताया है, उसमें कुछ ना कुछ तेल की मसाज, उसका अभ्यंगम बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल से उसके तेलों के बारे में बताया था, कैसे हम घर बैठे वो तेल बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी उनके बारे में डिटेल जानकारी हो तो आप नीचे लिखे नंबरों पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मनोबल ज़रूर ऊंचा रखिए पैरालिसिस के केस में, क्योंकि जब आप मन से स्वस्थ होंगे तभी आप इस शरीर की नर्व्स को और ऊँचाइयों तक लेके जाके ठीक कर सकते हैं। आप हमारे इस YouTube के आयुर्वेद योगाश्रम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी और डिजीज़ के लिए हम आपको और उचित राय दे सकें। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य।